नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज हम मैथ्स का प्रतिशत वाला चैप्टर SD यादव बुक से कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या पहला क्वेश्चन ये है कि सीता की आय गीता से 10% कम है, तो गीता की आय सीता से कितनी अधिक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें से वर्ड्स पर फोकस करना है और से वर्ड्स ही हमारा कीवर्ड रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए सीता है और गीता है, ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं गीता से 10% कम है, तो जहाँ से वर्ड की स्टार्टिंग होगी उसको हम पहले लिखेंगे, यानी 100 हो जाएगी गीता की आय, और सीता की कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी, क्योंकि इसकी कितनी कम है, 10% कम है, ठीक है। उसके बाद एरो इस तरफ लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं गीता की आय सीता से कितनी अधिक है, तो इस अब जब हम इसकी परसेंटेज अधिकता या कमी निकालेंगे तो क्या करेंगे, डिफरेंस को हम ऊपर रखेंगे और डिवाइड में कीवर्ड हमारा रहेगा से, लास्ट स्टेटमेंट का, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। तो अब देखिए कितना आसान हो जाता है इसको करना। अब डिफरेंस कितना है इनके बीच में, डिफरेंस है इनके बीच में हमारा 10 का, और से कीवर्ड क्या है सीता से, तो सीता की आय जो है वो नीचे आएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 100 को डिवाइड करना है 9 से, ये प्रतिशत हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप इसको बदल सकते हैं, यानी 11 सही 1/9% भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चीनी का मूल्य 20% घट गया, तो वो पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। S1 पहले का प्राइस है और S2 लास्ट का, ठीक है। तो 100 से क्या हो गया, घटकर कितना हो गया, 100 से घटकर हो गया 80, यानी 20 की कमी हुई है, ठीक है। तो हमने वही बताया, डिफरेंस को हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, और कीवर्ड से हमारा कितना है 80, ठीक है। तो 80 हमारा नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 से। डिफरेंस इनके बीच में है 20 और डिवाइड करना है हमें 80 से, और मल्टीप्लाई हमें करनी है 100 से। 20 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी 25% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। आप इसको नोट डाउन ज़रूर करिएगा, ये काफ़ी हेल्पफुल ट्रिक है जो कि आप आसानी से सवाल को कर सकते हैं। मुश्किल से 5 या 10 सेकंड का समय लगेगा और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राम की आय श्याम से। अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मैथ्स की वीडियो मिल सकें। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, राम की आय श्याम से अधिक है, यानी श्याम की पहले स्टार्टिंग होगी और अधिक किस किसकी है, राम की, तो यहाँ आ जाएगा 120, ठीक है, क्योंकि कितना है 20 प्लस है, ठीक है। उसके बाद हमें वही परसेंटेज अधिकता या कमी में क्या करना है, डिफरेंस को हमें ऊपर रखना है 20, और कीवर्ड क्या है राम की आय से, यानी राम की आय अब नीचे आएगी और मल्टीप्लाई किसके होगी 100 से। 20 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 50/3 आ जाएगा, ठीक है, प्रतिशत। आप इसको सही वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ गया, तो वह पहले जितने व्यय में कितनी प्रतिशत वस्तु कम प्राप्त करेगा। मान लीजिए S1 और S2 प्राइस हैं, ठीक है, मान लेते हैं हम ये पहले का प्राइस है 100 और बढ़कर कितना हो गया 110, ठीक है। तो कितनी कम प्राप्त करेगा, तो प्रतिशत कमी में हम क्या करेंगे, डिफरेंस को हम ऊपर रखेंगे और डिवाइड किससे करेंगे से, यानी 110 से मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी 100 से। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 100 को डिवाइड करना है हमें 11 से, ये प्रतिशत हो जाएगा। आप इसको सही वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, काफ़ी आसान है ये, केवल आपको से कीवर्ड पर फोकस करना है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा, व्यक्ति की आय 10% बढ़ती है और पुनः 20% बढ़ाई जाती है, तो कुल कितने प्रतिशत बढ़ती है। इस टाइप के क्वेश्चन को करते वक्त हमें क्या करना है, लीनियर फॉर्म में करना है। जैसे 100 को हमने बढ़ाया पहले 10%, तो 110 हो जाएगा, और फिर हमने बढ़ाया 20%, तो हो जाएगा हमारा 132, ठीक है। तो इस प्रकार जो कुल परिवर्तन होगा वो 32% आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, एक व्यक्ति की आय पहले 20% बढ़ती है फिर 10% घट जाती है, तो कितना परिवर्तन होगा। 100 है पहले, मान लेते हैं 20% जब बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी 120, और जब 10% घटेगी तो कितनी रह जाएगी 108, क्योंकि 120 का जब हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए, 12 आएगा, 12 से को जब हम घटा देंगे तो 108 रह जाएगा। तो इस प्रकार जो कुल परिवर्तन होगा वो कितना होगा, 8% का परिवर्तन होगा, वो भी पॉजिटिव, यानी वृद्धि होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई और उसकी चौड़ाई 10% बढ़ाई जाती है तो कुल परिवर्तन कितना होता है। तो आयत की लंबाई में क्या होगा, आयत की लंबाई जब हम 5% बढ़ाएंगे तो एरिया में 5% का परिवर्तन होगा यानी 105 हो जाएगा, और जब हम उसकी चौड़ाई 10% बढ़ाएंगे तो 10% और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा यानी 115.5, क्योंकि 110 वो 105 का जब हम 10% निकालेंगे तो 10.5 आएगा, वही हमें इसमें ऐड कर देना है। तो टोटल परिवर्तन हमें बताना है तो कितना हो जाएगा, टोटल परिवर्तन हो जाएगा हमारा 15.5% पॉजिटिव में। देखिए जब क्षेत्रफल से संबंधित होते हैं ना तो क्वेश्चन में क्या होता है कि क्षेत्रफल जो होता है वो स्क्वायर में होता है, इसलिए इसको दो बार किया जाता है। अगर वर्ग होगा तो वर्ग की भुजा सेम होगी, लेकिन उसको हम दो बार वृद्धि या कमी जो भी सवाल में दी होगी उसको करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक गोले का आयतन 10% की बढ़ोतरी की जाती है तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा। आप देखिए आ गया भाई क्वेश्चन कि इसमें क्या होगा, गोले की रेडियस तो हमेशा सेम रहेगी, ठीक है, लेकिन हम इसको तीन बार हमें इसे करना है क्योंकि आयतन में क्या होता है, घन घन इकाई में होता है आयतन, इस वजह से इसको हमें तीन बार करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे करना है। 100 मान लेते हैं हम इसकी पहले आयतन है, पहले 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, फिर से 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, और पुनः जब हम 10% बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 133.1%। इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं, तीन बार हमने इसको किया है क्योंकि ये घन इकाई में होता है, टोटल परिवर्तन हो जाएगा 33.1%, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, आप इसी ट्रिक से करना है आपको पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक घन की भुजा 10% कम की जाती है, अब देखिए कमी वाला आ गया, तो क्या करेंगे हम 100 को कमी करेंगे 10 की तो कितना रह जाएगा 90, फिर 10 की कमी करेंगे तो कितना रह जाएगा 81 या 81, फिर से हम 10% की कमी करेंगे तो कितना रह जाएगा, तो रह जाएगा हमारा 72.9। देखिए 81 का जब हम 10% निकालेंगे तो 8.1 आएगा, इसको हमें घटा देना है इसमें से तो 72.9 आ जाएगा। अब हमें कुल परिवर्तन बताना है कितना होगा, कुल परिवर्तन कितना होगा, 100 से जब हम 72.9 पर पहुंचेंगे तो हमारा परिवर्तन होगा 27.1, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन किस में होगा, ये होगा कमी में, क्योंकि 100 से कम होकर 72.9 रह गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब आय वाले सवाल हम देख लेते हैं किस प्रकार के हैं, जो SD यादव बुक में दिए हुए हैं कि गोपाल की आय मासिक आय का 30%, गोपाल की आय जो है उसका भाई अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, जो बचता है उसका 40% वह किस पर खर्च करता है, 40% वह खर्च करता है परिवहन पर, ठीक है। उसके बाद शेष का 50% क्या करता है, शेष का 50% वह बचा लेता है, लेकिन उसकी मासिक आय 18,400 थी तो उसने कितने रुपये बचाए हैं यह आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। गोपाल की आय मान लेते हैं 100% है, उसने क्या किया 30% जो है भोजन पर खर्च किया, जिसको हम फूड लिख देते हैं, ठीक है, और बचेगा कितना 70, 70 का 40% उसने किस पर खर्च किया, परिवहन पर, यानी 40% कितना होगा 28 आ जाएगा 70 का, जब 40% निकालेंगे तो कितना बचेगा हमारा, बचेगा 42। अब 42 में से कह रहा है कि 50% उसने क्या किया है, 42 का 50% 21 हो जाएगा, और 50% उसने सेव किया है, ठीक है, जबकि उसकी मासिक आय कितनी थी 18,400 थी, तो कितने रुपए बचाएं ये बताना है। तो जो मासिक आय वो कितनी होती है, 100% होती, कितने के बराबर 18,400 के बराबर, जब हम इससे 1% की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 184, ठीक है। और हमें करना क्या है इसमें, अब हमको कैलकुलेशन बस खाली करनी है, 21% की वैल्यू निकालनी है, जब हम 184 को गुणा करेंगे 21 से तो 21% की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, गुणा करके आप लोग देख सकते हैं और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप, ठीक है, केवल मल्टीप्लाई करना है बस, बेहद आसान है। अगला जो क्वेश्चन है, एक आदमी 30% शिक्षा पर खर्च करता है और 50% भोजन पर खर्च करता है शेष का, ठीक है, शेष का वर्ड जरूर याद रखना है आपको अगर कहीं लिखा है, और 1,000 रुपये बचा लेता, वो सॉरी 1,000 रुपये मकान किराए के लिए देता है और 1,800 रुपये बच जाते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी है, मान लीजिए मासिक आय उसकी कितनी है 100% है, 30% उसने क्या किया शिक्षा पर खर्च किया यानी एजुकेशन पर, उसके बाद शेष का 50% यानी कितना बचेगा उसके पास 70 बचेगा, और उसका 50% वह क्या करता है, उसका 50% वह भोजन पर खर्च करता है, यानी हमारा 35 कम हो जाएगा क्योंकि 70 का कितना आएगा 50% 35,
तो लास्ट में हमारा कितना बचेगा, 35% बचेगा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि 35% में से भाई 1,000 रुपये मकान किराए के लिए खर्च कर देता है, तो उसके पास 1,800 रुपये बच जाते हैं। ठीक है, काफ़ी देखिए ट्रिकी बात यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन हम आसानी से इसको समझ लेंगे। तो हमें क्या करना, सॉरी देखिए, जो 35% की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, जो 1,000 रुपये उसने किराए के दिए हैं और जो उसके पास बचे हैं कितने, 1,800 रुपये जो उसके पास बचे हैं, वो दोनों मिल जाएंगे, जोड़ लिए जाएंगे, तभी 35 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास बचा हुआ कितना, 35, उसी में से उसने मकान का किराया दिया है और उसके पास बच भी गए हैं 1,800 रुपये, तो 1,800 प्लस मकान का किराया बराबर क्या हो जाएगा, 35% के, यानी 35% की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2,800। ठीक है, अब हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं, देखिए कितनी आसानी से हो जाता है, 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा और इधर डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 400। 100% में से बदलना है क्योंकि इसकी मासिक आय कितनी, 100, तो इसमें जब हमने 5% को 100 में बदलना है तो 20 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर भी हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8,000 आ जाएगा। तो उसकी मासिक आय कितनी है, 8,000। कितना आसान है इस टाइप से सवाल को करना, सभी सवाल इसी टाइप से आपको करने हैं। ठीक है, और जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 30 सेकेंड से अधिक समय नहीं लगेगा इतनी कैलकुलेशन करने में। नेक्स्ट, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 65% मत प्राप्त करता है और 900 मतों से विजयी हो जाता है। ठीक है, देखिए इलेक्शन के लिए क्या होता है, कम से कम 2 मेंबर होते हैं और मतदाता होते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं एक ए है और एक बी है, ए ने प्राप्त किए हैं 65, तो बी को कितने प्राप्त होंगे, 35 ऑटोमेटिक, क्योंकि टोटल वोटिंग 100% की होती है, माना जाता है कि 100% वोट पड़े हैं, उनमें से ए को कितने मिले, 65% और बी को 35%। ठीक है, और इस प्रकार क्या हुआ कि उनके वोटों में जो अंतर है वो 900 का है, यानी 900 वोटों से कौन जीता, ए जीता है। तो इस प्रकार के टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनमें हमें क्या करना है, डिफरेंस परसेंटेज में बराबर होगा डिफरेंस वोट में। अब इसमें डिफरेंस परसेंटेज में कितना है, डिफरेंस परसेंटेज में इसमें बराबर है हमारे 30 के, यानी 30 का जो डिफरेंस है वो बराबर हो जाएगा 900 के। जब हम 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, और हमें टोटल मतदाता निकालने हैं, तो टोटल मतदाता हमेशा होते हैं 100%, जब 100% की हम वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 3,000। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ने कुल 45% मत प्राप्त किए और भाई 1,000 वोट से हार गया, वही प्रोसेस अपनाएंगे हम, ए और बी, ए ने 45% प्राप्त किए हैं तो बी ने 55% प्राप्त किए होंगे, एक मिनट इसको मिटा देते हैं, अच्छा नहीं बना 55। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमें देखना है कितना है, 10% का डिफरेंस है और वोट में कितना है, 1,000 का है। ठीक है, जब हम 10 से इसको डिवाइड करें या 100 सीधे निकाल लेते हैं, 100, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 100 हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा 10,000। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है, मुश्किल से मुश्किल 5 सेकेंड कैलकुलेशन में आपको लगेंगे। तो इसी टाइप से आपको मतदाता वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक हम क्वेश्चन बड़े डिस्कस कर लेते हैं जिसमें कुछ वोट अवैध हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए रावत और करीम जो हैं दो मेंबर हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, टोटल वोटिंग जो हुई है हमारी 100% है। ठीक है, उसमें से क्या हुआ, 20% जो वोट हैं वो अवैध हो गए, तो टोटल कितने बचेंगे, 80%। अब 80% में से दो लोग हैं, एक है करीम और रावत। देखो करीम ने क्या किया है, वो सॉरी रावत को वैध मतों का 40% मिला है, यानी 80 का 40% मिला है, तो कितना हो जाएगा, 80 का 40% हो जाएगा 32। ठीक है, और तो 80 का 60% किसको मिला है, करीम को, तो 80 का 60% जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको फिर से वही प्रोसेस अपनानी, जो रियल वोट इनको प्राप्त हुए हैं उनका अंतर परसेंटेज में और वोटों में अंतर बराबर हो जाएगा, यानी 16% का जो अंतर है इन दोनों के बीच में 48 और 32 में, वही बराबर कितने के हो जाएगा, 1600 के। तो 16 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा, 1% जब 100 के बराबर होगा तो टोटल वोटिंग कितनी होगी, 100%, जो कि कितने के बराबर होगी, 10,000 के बराबर। ठीक है, 10,000 के बराबर आ जाएगा, यानी आंसर हमारा इसका आ जाएगा 10,000। उसके बाद किसी परीक्षा में 60% गणित में विद्यार्थी थे और 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, कुल पास कितने हुए। जब हमको पास बताना है तो हम सभी को पहले अनुत्तीर्ण में बदलेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लेते हैं हम गणित में पास कितने हैं, 60, तो गणित में फेल कितने होंगे, जिसको हम F1 से लिख ले रहे हैं 40 हो जाएंगे। ठीक है, और
अंग्रेजी में पास कितने, 70, तो F2 से हम इसको फेल में बदल ले रहे हैं, तो कितने रह जाएंगे, 30। दोनों में पास कितने हुए हैं, 50, तो दोनों में F1 F2 कितने हो जाएंगे, F1 F2 हो जाएगा हमारा 50 ही, ठीक है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को करना कैसे, जब हमको पास निकालना है तो पास बराबर हो जाएगा 100 माइनस F1 माइनस F2 प्लस F1 F2, ठीक है। तो 100 हमारा लिखेंगे, माइनस F1 कितना है 40, F2 कितना है 30, और F1 F2 कितना है 50, इनको जोड़ लेंगे हम, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100 और 50 जोड़ेंगे 150, में से हमें 70 घटा देंगे तो कितना बचेगा 80%, यानी कुल कितने विद्यार्थी पास हुए हैं 80%। इस टाइप के क्वेश्चन आप इसी टाइप से करेंगे, जब भी आपको क्या करना है, पास अगर निकालना है तो आप, एक मिनट, जब आपको पास निकालना है तो आप पहले सबको फेल में कन्वर्ट करेंगे, फिर फार्मूला लगाएंगे 100 माइनस F1 माइनस F2 प्लस F1 F2 सॉरी माइ 100 माइनस F1 माइनस F2 प्लस F1 F2, ठीक, ये फार्मूला। अगर फेल निकालना है तो यहाँ फेल लिख देंगे, इधर P1 माइनस P2 प्लस P1 P2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक अगला टाइप है कि किसी परीक्षा में एक लड़का 40% अंक प्राप्त करता है और वह दूसरा 45% प्राप्त करता है, तो दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं, तो परीक्षा का पूर्णांक बताना है। देखिए, एक ने कितने प्राप्त किए 40% और एक ने कितने प्राप्त किए 45%, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है 5, और इनके अंकों में अंतर कितना है 35 और 60 के बीच अंतर होगा अंकों में, वो हो जाएगा 25, यानी 5% 25 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 100% हो जाएगा 20 से जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, यानी 500 अंक का पूर्णांक होगा, ठीक है। इस टाइप को इस प्रकार से करना है, यानी परसेंटेज में डिफरेंस बराबर अंकों में डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसका अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, दूसरा श्याम जो है 35% अंक प्राप्त करता है और 80 अंकों से फेल हो जाता है, जब दोनों एक ही टाइप से हों यानी फेल हो रहे हों तब क्या करेंगे हम, देखिए राम ने कितने पाए 30% और श्याम ने कितने पाए 35%, दोनों के अंतर कितना है 5 का, और इन दोनों के फेल होने में अंतर कितना है 30 अंकों का, यानी ये 30 अंक से फेल हुआ, ये 80 अंक से फेल हुआ है, इसका मतलब ये हो जाता है कि 5% बराबर कितना हो जाएगा 50 के, और 100% बराबर हमारा आ जाएगा, इसमें 20 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा बताइए 1000, ठीक है, ये हमारा 1000 आ जाएगा, वो सॉरी एक मिनट, जब हम 50 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना 1000 आएगा, ठीक है, 1000 अंकों का पूर्णांक हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, बस इतने ही आज के टॉपिक थे, सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगर आपको SD यादव से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट बाई हरगोविंद पर आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।